और जो हमारा साथी भटक रहे धैर्य से पूछो, मुरारी लाल को संरक्षण किसने दिया था, मुझे टिकट किसने दिया था, मुझे जनता ने दो दो बार जिता दिया, जब अपना पार्टियों ने बुला के कह दिया आधा लड़ ले, जनाधार है तो ये प्रजातंत्र है, जनता है उसके बीच में जाइए और फैसला जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, जनता अपना फैसला कर देती है। आप सबने हमारी बात सुनी और मुझे पूरा विश्वास है इस बच्चे के विकास के लिए, दौसा के विकास के लिए, आपके विकास के लिए, एसटी की संविधान बचाने के लिए आने वाले टाइम में पूरा गरीब वर्ग, पूरा एसटी वर्ग, पूरा किसान वर्ग लामबंद होकर के कांग्रेस का वोट पूरे प्रदेश के अंदर डालेगा। और छोटी छोटी बात हमारी यही रह जाती है, गांव में एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा हो जाता है, एक गांव की दूसरे गांव से नहीं बनती है, एक सरपंच की विधायक से नहीं बनती है। नहीं साथियों, ये संविधान का मामला है, ये देश का मामला है, ये पूरे समाज का मामला है, ये आदिवासियों का मामला है, ये एससी का मामला है, ये किसान वर्ग का मामला है। और जो केंद्र में सरकार बैठी है वो आपकी सरकार नहीं है, आने वाले टाइम में आपके खिलाफ फैसले होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है इनको सबक सिखा दो। अब भैया तुम्हारी हिम्मत नहीं है, इस देश के अंदर हम इतनी बड़ी संख्या में एसटीएससी के ऑफिस के लोग रहते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं भी 20 साल नौकरी कर ली, 4 बार विधायक बन लिया, मैंने भी दिल्ली देखी है, मैं दिल्ली स्वर्गीय राजेश पाठक के पीए रह लिया, मैं यहाँ भी मंत्री रह लिया, दो बार मंत्री रह लिया, मैं भी 65 साल का हूँ, आपको लग अलग ऐसा रहा हूँ, मुझे भी अनुभव है। आने वाला समय हमारा तभी अच्छा होगा जब हम सब कांग्रेस का मतदान करेंगे। और जो हमारे साथी छोटी छोटी इन बातों को लेकर भ्रमित हो रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है, आप गलती मत करना, इन बातों में कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा इन बातों में, ये टेम्परेरी बातें हैं। आप तो आने वाली 19 तारीख को सुबह से लेकर शाम तक अच्छे